नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पावर चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एसी वीआर सर्किट ब्रेकर के ऊपर बात करेंगे, जो कि ये सामने दिख रहा है आपको, एलएनटी का लार्सन एंड टुब्रो का यार सर्किट ब्रेकर है, जो कि लो टेंशन में है, मतलब 415 वोल्ट में चलता है। उसका अगर बाहर से खोल के देखेंगे, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, जिसके साथ ब्रेकर का इंटरनल और एक्सटर्नल के साथ कॉन्टैक्ट होता है। अगर इसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो ये लार्सन एंड टुब्रो 415 वोल्ट 4000 एम्पियर का ये कैपेसिटी है, और 50 हर्ज इसका फ्रीक्वेंसी है, और 70 किलो एम्पियर तक इसका ब्रेकिंग का करंट है, जो कि 4000 एम्पियर बहुत हेवी ये एयर सर्किट ब्रेकर है। उसके बाद ये नीचे देखेंगे, इसका स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन है, और ऊपर वाला ऑन ऑफ का इंडिकेशन है मैकेनिकल, और ये वाला जो स्प्रिंग चार्ज मैनुअली इसमें स्प्रिंग चार्ज कर सकते हैं, स्लाइडिंग वाला है, थोड़ा डिफरेंट है सीमेंस से, थोड़ा एलएनटी। और इसका अगर मोटर भोग का कॉयल वोल्टेज देखेंगे 220 है, और क्लोजिंग कॉयल का भी देखेंगे कि 220 है, जो कि डीसी है। उसके बाद दोबारा इसका स्पेसिफिकेशन साइड में लिखा हुआ है, सेम है, तो इसको देखेंगे। उसके बाद नीचे ये सब दिख रहे हैं ना आपको, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। और उसके बाद अगर ऊपर से इसका चेक करेंगे, ऊपर से देखेंगे, ऊपर में क्लोजिंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट दिख रहा है, मतलब फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट, उसको बोल फिक्स कॉन्टैक्ट। मूविंग कॉन्टैक्ट जो होता है वो फिक्स कॉन्टैक्ट के ऊपर लगता है स्प्रिंग चार्ज, अगर उसमें रिलीज करेंगे तो। तीन फेज का है, इसीलिए आर ओ आई भी तीन स्लॉट दिख रहा है। और ऊपर में देखिए, वो रेड वाला उधर से जो दिख रहा है, ये नीचे वाला जो है इनकमिंग है, और ऊपर वाला जो बॉक्स दिख रहा है वो आउट गोइंग है। आर ओ आई भी तीन दिख रहा है, एक इनकमिंग के लिए, एक आउट गोइंग के लिए। और जो नीचे जो खांचा टाइप के नीचे दिख रहा है आपको, ये उधर जाके लगता है, अगर धीरे धीरे रैकिंग करेंगे तो उधर जाके वो लग जाएगा, तो इनकमिंग में के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। और ये वाला चीज़ जो दिख रहा है, ये इसका ब्रेकर के लिए इंटरनल सप्लाई है, जो कि 220 वोल्ट डीसी है, सिंगल फेज सप्लाई है, ठीक है। और उसके बाद ये बाहर का इंडिकेशन सिस्टम है, जिसके ऑन ऑन का इंडिकेशन रहता है, ऑफ का इंडिकेशन रहता है, उसके बाद ट्रिप का इंडिकेशन रहता है, स्प्रिंग चार्ज हेल्दी है कि नहीं उसका रहता है, और उसके बाद आर ओ आई भी तीन फेज का इंडिकेशन रहता है पैनल के ऊपर। उसके बाद आपको ये दिखेगा, ये माइकॉम रिले है, जो कि एलस्टॉम का है, और साइड में दिखेगा आपको इसका हेल्दीनेस चेकिंग। ये माइकॉम रिले का वोल्टेज जो है 220 वोल्टेज है, एसी डीसी दोनों में काम करता है। माइकॉम रिले क्यों यूज करता है आपको पता ही होगा। और नीचे वाला चीज़ जो है आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, और साइड में इंडिकेशन दिया रखा है कौन सा करंट के लिए ट्रिप हुआ है, और स्पीडर हेल्दी ने कि नहीं वो भी दिखा देगा, हेल्दीनेस ग्रीन का इंडिकेशन आता है। उसके बाद बहुत सारा रिले लगा है, वो आपका भी बताता हूँ। ये दो ये देखिए, ये भी एक रिले है, ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले है शायद, नीचे से उसको रिसेट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक बार चलते हैं नीचे में, आपको दिखाते हैं क्लोजिंग और ट्रिपिंग कॉयल का जो कॉयल है ये कहाँ से काम करता है, कैसे काम और कहाँ से कहाँ लगा हुआ है। उससे पहले ये देखिए, ये तीन ट्रांसफार्मर दिख रहा है, उसके साथ आर आई बी और तीन फेज का जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये ट्रांसफार्मर आपको रिले में यूज हो रहा है, माइकॉम रिले जो अभी बताया, वोल्टेज चेक करने के लिए, लाइन में वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, एक ओवर वोल्टेज। इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये क्लोजिंग कॉयल है, और ये तीन जो सिल्वर टाइप का कलर दिख रहा है, ये जो अभी मूविंग कॉन्टैक्ट फ्लेक्सिबल, जब मूविंग होगा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो ये कट जाएगा, तो इसीलिए ये फ्लेक्सिबल कॉन्टैक्टर दिया हुआ है। और ये स्प्रिंग चार्ज का स्प्रिंग है, अच्छे से देखेंगे तो पता चलेगा। और हाँ, और ऊपर में जो दिख रहा है आपको, वो फ्लिक्स कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट का शाफ्ट है, जो ऊपर नीचे चेंज होता है, और ये तीन अलग अलग स्लॉट दिया हुआ है एक एक फेज के लिए। और वो दूर से वो जो दिख रहा है आपको, ये हाँ ये वाला आपको, इसका नाम है स्प्रिंग चार्ज मोटर, ये इसका दिखता नहीं है, थोड़ा आपको जूम करके स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। ये 220 वोल्ट डीसी का है, 15000 आरपीएम है, और
इसका अच्छे से आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट में वीडियो करके आपको दिखाते हैं। ये वाला जो दिख रहा है आपको फोटो में स्प्रिंग, ये फिक्स कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट है। हाँ, ये स्प्रिंग चार्ज मोटर है जो कि स्टारलिंग स्टारलिंग मोटर का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।